यकीन मानिए हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो बात आने वाले वक्त में पूरे विश्व क्रिकेट में बहुत बड़ा धब्बा बन के उभरने वाली है। संदीप लेमेचा ने नेपाल का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा ही क्रिकेटर है भाई, मान लो मतलब इस बंदे की काबिलियत का अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हो कि इसका कंपैरिजन जिस तरीके से विराट कोहली को यहाँ पे हम सब जानते हैं और बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसी तरह संदीप लेमेचा को वहां प्यार किया जाता है। लेकिन ज्यादा खास बात यह है कि विराट कोहली एक बल्लेबाज है और ये एक गेंदबाज है, उसके बावजूद इतना ज्यादा प्यार किया जाता है। कैप्टन के तौर पे भी, नेपाल के कैप्टन के तौर पे भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म किया इसने, और एक बहुत बड़ी गलती की वजह से इससे कैप्टनसी छीनी गई और अब शायद पूरा का पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा संदीप लामिचने का। कहानी शुरू होती है 10 जनवरी 2022, अब से लगभग 2 साल पहले। एक लड़की बाहर निकलती है और ये संदीप लामिचने पे चार्ज लगाती है रेप का, कि संदीप लामिचने ने 10 जनवरी 2022 को मेरे साथ रेप किया हिमालयन होटल काठमांडू में। संदीप लामिचने उस टाइम जमैका में करेबियन प्रीमियर लीग खेल रहे होते हैं और यहाँ से पुलिस वारंट इशू कर देती है, इसको बुलाया जाता है। ये पहली बार आने में असमर्थ होता है, दूसरे ट्राई में ये आता है, शायद डर गया होगा बहुत कुछ सोच समझ के फैसले लेके, फिर ये आता है, इसको सीधा जेल में डाल दिया जाता है। बहुत ज्यादा क्रिकेट फैंस का सपोर्ट मिलता है, चाहे भाई रेपिस्ट क्यों ना हो बंदा, लेकिन अगर होता है ना, क्रिकेट में बड़े कट्टर फैन होते हैं भाई, दिल से सपोर्ट करते हैं पूरी जान झोंक के, तो बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, बहुत सारी परिस्थितियां बनती है, इसको बेल मिल जाती है काफी आसानी से। फिर इसको कहीं से भी बैन नहीं किया जाता, सिर्फ कैप्टनसी छीनी जाती है। यार कैप्टनसी तो हमारे यहाँ 2 मैच हारने पे छीन लेते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो रेप करके आया था, तो कैप्टनसी छीनी जाती है, लेकिन कहीं से भी बैन नहीं किया जाता। और ये बंदा सारे मैचेस खेलता है, चाहे वो नेपाल की तरफ से इंटरनेशनल टूर्नामेंट ही क्यों ना हो गए, वर्ल्ड कप क्वालिफायर या फिर एशिया कप और या फिर 2020 लीग ही क्यों ना हो गई, जैसे करेबियन लीग, बिग बैश, आईपीएल। आईपीएल में 2018 में इस बंदे की एंट्री होती है, दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से काफी अच्छा खेलता है, मैंने वहीं इसको ज्यादा पहचाना है, दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से काफी काफी मतलब प्लेइंग का खिलाड़ी रहा है। मतलब भाई देखो, बहुत बहुत बड़ा गलत डिसीजन लिया इस 23 साल के लड़के ने, बहुत मतलब होता है ना, इस 2 साल में इस बंदे ने अपने नाम को और ज्यादा बड़ा नाम बनाया है, इस 2 साल जब उस पर केस चला है बहुत बड़ा नाम बनाया। और इसी के बीच बहुत बुरी परिस्थितियां भी आई हैं इसके लिए, जैसे स्कॉटलैंड के साथ मैच खेलते हुए स्कॉटलैंड की टीम ने संदीप से, पूरी टीम से हाथ मिलाया, लेकिन संदीप से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, बंदा रोया भी बहुत। खैर भाई, काम ऐसे करोगे तो भुगतोगे तो जरूर। यहाँ पर अब फाइनली नेपाल में काठमांडू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया, संदीप लामिचने को पूरी तरीके से दोषी करार दिया है और कहा है कि इसको अप टू 10 ईयर्स तक की सजा होगी, यानी लगभग 10 साल, मैक्सिमम 10 साल, उससे कम 8, 9, 10 तक की हो सकती है। जिसपे संदीप लामिचने की जो लॉयर है उनका नाम है सबिता भंडारी बराल, उन्होंने कहा वी डिड नॉट एक्सेप्ट द जजमेंट, वी आर फ्रस्ट्रेटेड एंड वी आर गोइंग टू ट्राई ऑन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो भाई ये अब इधर से उधर, उधर से उधर जाएंगे। अगर देखो संदीप लामिचने गलत है तो यकीन है उनके साथ सही होना चाहिए, सही सजा मिलनी चाहिए, और अगर सही है तो निकल के बाहर आ जाए और खेले। लेकिन भाई देखो, यकीन मानो ये बहुत बहुत बड़ा, बहुत ही शर्मनाक बात है जिस तरीके से इसके ऊपर लगाए गए हैं। अगर ये कहीं से भी, इस बंदे ने ऐसा कोई काम किया तो यकीनन बहुत बड़ा खामियाजा भुगतने वाला है, आने वाले टाइम का स्टार बनता, लेकिन शायद अब सब कुछ खत्म होने वाला है। तो जितना भी मेरे को इंटरनेट से इसके बारे में मिला मैंने आपको बता दिया है, एंड आई होप सो यू लाइक इट। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं व्हाट यू थिंक अबाउट इट, ऐसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसके साथ, फैंस अंधा सपोर्ट ना ही करे किसी भी क्रिकेटर को तो ज्यादा अच्छा है।